और देखिए, अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर में भी राजस्थान के रेड सैंडस्टोन की आभा अपनी चमक बिखेर रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी इस BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के करौली में BAPS हिंदू मंदिर के लिए पर्यावरण विभाग ने जनवरी 2022 में 2 लीजों को पर्यावरण मंजूरी दी थी। राजस्थान और गुजरात के संघ तराशों द्वारा इस मंदिर के स्तंभों पर विशेष कारीगरी की गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब करौली और भरतपुर क्षेत्र का रेड सैंडस्टोन अबू धाबी में बन रहे BAPS हिंदू मंदिर की भी शोभा बढ़ा रहा है। इसके लिए पर्यावरण विभाग ने जनवरी 2022 में 2 माइनिंग लीज की पर्यावरण मंजूरी जारी की थी। इसके बाद यहां से रेड सैंडस्टोन को अबू धाबी भेजा गया, जहां BAPS हिंदू मंदिर में इस रेड सैंडस्टोन को लगाया गया है। इन 2 लीजों से निकलने वाले सैंडस्टोन को तराश कर अबू धाबी भेजा गया था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का शुभारंभ करेंगे। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। इस मंदिर के पारंपरिक शिलालेख, नक्काशीदार दीवारें और शिखर के लिए रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए राजस्थान के करौली भरतपुर क्षेत्र में निकलने वाले रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल बोचासन वासी अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS की ओर से अबू धाबी में 45 करोड़ दिरहम यानी करीब 888 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अबू धाबी के अबू मोरई खा पर 27 एकड़ में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर की बुनियाद जमीन से 4.5 मीटर ऊपर है। इस फाउंडेशन में 2 सुरंग हैं। इन सुरंगों के लिए पत्थर भारत से आए हैं। मंदिर के लिए अधिकतर पत्थर तराशने का काम भारत में राजस्थान और गुजरात के संघ तराशों द्वारा किया गया है। हाथों से तराशे गए इन पत्थरों में भारत की समृद्धि, संस्कृति और इतिहास की झलक देखने के साथ अरब प्रतीक भी है। इसमें रामायण, महाभारत समेत हिंदू पुराणों के प्रसंगों से जुड़े भित्ति चित्र हैं। मंदिर का निर्माण प्राचीन हिंदू शिल्प शास्त्र के मुताबिक किया गया है। मंदिर में 7 शिखर हैं। ये UAE के 7 अमीरात का भी प्रतीक है। मंदिर के लिए रेड सैंडस्टोन राजस्थान से और मार्बल इटली से मंगाया गया था। मंदिर में विजिटर सेंटर, पूजा हॉल, लाइब्रेरी, क्लासरूम, कम्युनिटी सेंटर, एम्फी थिएटर, प्ले एरिया, बगीचे, पानी के झरने, फूड कोर्ट, बुक्स और गिफ्ट्स शॉप समेत तमाम सुविधाएं हैं। अयोध्या से अबू धाबी तक अब सब कुछ राममय हो गया है। हमारी समृद्धि, संस्कृति, विरासत और धार्मिक मान्यताओं का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजस्थान सरकार में तबादले खुलते ही जलदाय विभाग में हलचल तेज हो गई है। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने मुख्य अभियंताओं के बाद अब 9 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में लंबे समय से जमे अफसरों की विदाई भी हुई है, तो एक अफसर का वजन हल्का किया गया है, जिनको 3 चार्ज देकर मेहरबानी की जा रही थी। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान में एक बार फिर से तबादलों का मौसम आ गया है। जलदाय विभाग में भी तबादलों की इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। मुख्य अभियंताओं के बाद अब अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की सूची जारी हो गई है। राज्य सरकार के आदेशानुसार 10 से 20 फरवरी तक ही तबादले होने हैं। ऐसे में जलदाय विभाग शायद सिफारिशों के आधार पर नहीं बल्कि 3 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तबादले कर रहा है। पहला, दागियों को प्राइम पोस्टिंग से हटाना। दूसरा, सालों तक एक ही रीजन या शहर में जमे इंजीनियर्स को बाहर भेजना। और तीसरा, अतिरिक्त चार्ज की मेहरबानी कम करना। अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं का तबादला, जुगल किशोर करवा को बांसवाड़ा से क्षेत्र प्रथम जोधपुर लगाया, अमिताभ शर्मा को मुख्य अभियंता कार्यालय से क्षेत्र द्वितीय जयपुर लगाया, महेश जांगिड़ को कोटा से भरतपुर लगाया, ईडी की कार्रवाई का सामना करने वाले शुभांशु दीक्षित को जयपुर से कोटा भेजा, लंबे समय से जमे अरुण श्रीवास्तव को क्षेत्र प्रथम जयपुर से हटाया, हुकुम चंद को क्षेत्र प्रथम जयपुर में अरुण श्रीवास्तव की जगह लगाया, एपीओ चल रहे मोहन लाल सैनी को उदयपुर भेजा, आदित्य शर्मा को पाली से उदयपुर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी, जगत तिवारी को ड्रिलिंग से शहरी कार्यालय मुख्य अभियंता शहरी एवं NRW जयपुर लगाया,
अभियंता राज सिंह, हुकम चंद और जुगल किशोर को अतिरिक्त चार्ज भी दिया। अगर तबादला सूची का पोस्टमार्टम करें तो सबसे प्रभावशाली अधीक्षण अभियंता माने जा रहे बांसवाड़ा के सुनील गर का बोझ अब कम कर दिया गया है। वहीं विवादों में रहे महेश जांगिड़ को कोटा से भरतपुर भेजा गया है। पिछले साल एसीबी की एक कार्रवाई में महेश जांगिड़ की कार से लाखों रुपए बरामद किए गए थे। वहीं लंबे समय से सचिवालय के गलियारों में रहने वाले शुभांशु दीक्षित को अब जयपुर से बाहर कोटा भेज दिया गया है। सुनील गर का बोझ किया कम। बांसवाड़ा अधीक्षण अभियंता सुनील गर के पास थी तीन जिम्मेदारी। उदयपुर प्रोजेक्ट और रीजन के अतिरिक्त चार्ज की थी मेहरबानी। आदिवासी इलाके के एक बड़े ठेकेदार से बताई जाती हैं नजदीकियां। लेकिन अब दोनों चार्ज हटाकर नए अफसर लगा दिए उदयपुर में। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में विवादित अफसर की नियुक्ति। विवादों में रहे महेश जांगिड़ को कोटा से भरतपुर भेजा। पिछले साल एसीबी ने महेश जांगिड़ की गाड़ी से बरामद की थी बड़ी राशि। जलदाय मंत्री के यहाँ पड़ी है जांगिड़ से जुड़ी एक अहम फाइल। 2021 में भी चर्चा में आए थे अतिरिक्त मुख्य अभियंता महेश जांगिड़। तब बीजेपी नेता भवानी राजावत ने जांगिड़ को पिलाया था दूषित पानी। जलदाय विभाग तबादलों का पोस्टमार्टम। शुभांशु दीक्षित को जयपुर से कोटा भेजा। पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई थी दीक्षित के यहाँ। दीक्षित के दफ्तर से भी अहम कागजात लिए थे ईडी ने। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के करीबी रहे दीक्षित। लंबे समय बाद जयपुर से हटाए गए हैं शुभांशु दीक्षित। विदेश दौरे में भी तत्कालीन मंत्री व एसीएस के साथ थे दीक्षित। जलदाय विभाग की इस तबादला सूची से ये तो साफ हो गया है कि अब विभाग में आमूलचूल परिवर्तन होने वाले हैं और विभाग की छवि भी सुधारी जाएगी। लेकिन अभी भी कई पद खाली पड़े हैं और कुछ अफसरों के पास ज़्यादा ही जिम्मेदारी है। साथ में दागी अफसरों को भी कड़ी सजा देने की सूची आने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि आने वाली सूचियों में कितना होमवर्क होता है और उसके बाद प्रोजेक्ट्स और जल जीवन मिशन क्या गति पकड़ पाते हैं। कैमरामैन तीर्थ के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर आमजन से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कांग्रेस राज में जो जनहित में फैसले लिए गए उन सभी कार्यों को भाजपा ने दुर्भावनावश रोक दिया है, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ किसान आंदोलन को लेकर भी टीकाराम जूली ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान विभिन्न पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी काम चल रहे थे एक ऑर्डर से उन कामों को रोक दिया गया, तो इससे जनता को परेशानी आ गई है। सड़कों के काम रुके हुए हैं, पानी के काम रुके हुए हैं, आप एक टैंकर तक नहीं डलवा सकते, ये स्थिति यहाँ पे बन रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रवास के दौरान कोटा के सांगोद पहुंचे, जहां बिरला ने आयोजित 400 केवी जीएसएस शिलान्यास समारोह में शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्पीकर ओम बिरला का स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह के बाद फर्स्ट इंडिया के संवाददाता भंवर एस चारण ने स्पीकर बिरला से खास बातचीत की। कोटा के सांगोद कस्बे को आज बड़ा तोहफा मिला है। 400 केवी जीएसएस के शिलान्यास के साथ ही यहां पर सांसद विकास कोष और सीएसआर मद से हुए कामों का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बिरला साहब, आपने कार्यक्रम में एक बड़ी बात कही कि राजस्थान 5 साल में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ये कैसे संभव होगा? राज्य के ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है कि हर राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, क्योंकि राजस्थान में सोलर ऊर्जा और विंड दोनों की प्रबल संभावना है। देश में राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पर किलोमीटर की ज़मीनें हमारे पास हैं, जहाँ सोलर की संभावना है आज भी देश में सबसे ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर राज्य अपने अपने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहे, और इस दिशा में राजस्थान में उस संभावनाएं ज़्यादा है, उस दिशा में काम हो रही है और आने वाले समय के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा
और लोगों को पर्याप्त बिजली मिलेगी। आपने कहा बिरला साहब कि भारत बदल गया है, ओम बिरला की निगाहों में भारत 5 साल में कितना बदल गया और ये बदलाव कौन लेकर के आया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक व्यापक बदलाव हो रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। गाँव के अंदर हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से, आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं खुद के छोटे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही है। हम पशुधन के रूप में जगह जगह दूध के उत्पादन में हम नंबर एक हो रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर भारत एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। महात्मा गांधी जी का भी मानना था कि भारत में इकोनॉमी मॉडल गांव से होना चाहिए और प्रधानमंत्री ने उसी सपने को साकार किया है, आत्मनिर्भर भारत के सपने को, ताकि हर व्यक्ति को रोजगार मिले। आज आप गांव के अंदर देखो, छोटे छोटे गांव के अंदर लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से, पीएम स्वनिधि के माध्यम से लोगों ने अपने रोजगार को खड़ा करने का काम किया है। एक बहुत बड़ा बदलाव है। नौजवान स्टार्टअप के माध्यम से, कोई ज़माने में हमारे पास गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे, आज लाखों स्टार्टअप हैं। देश की और विश्व की चुनौतियों का समाधान हमारा नौजवान कर रहा है। भारत के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर अभी आर्थिक रूप से जो हमारा सिस्टम है वह आत्मनिर्भर भी हो रहा है और हम दुनिया के एक्सपोर्ट करने की दिशा के अंदर ही बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम आएंगे, कह रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिनकी मंद मंद मुस्कान की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा के अंतिम सत्र में करते हुए नजर आए। आज सांगोद में उन्होंने कई विकास के कामों का तोहफा जनता को दिया है और साथ में उन्होंने बार बार ये जिक्र किया है कि भारत बदल रहा है और साथ में ये भी दावा उन्होंने किया है कि वो समय भी दूर नहीं है, वो दिन भी दूर नहीं है जब राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवरेश चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सांगोद, कोटा। उदयपुर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द ही सूर्यनगरी में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ होने की घोषणा की थी, जिसके बाद जोधपुर पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शेखावत ने कहा कि ये रोड जोधपुर में 50 वर्ष से ज्यादा ट्रैफिक की समस्याओं से निजात दिलाएगी। एलिवेटेड रोड से जोधपुर की हार्ट लाइन पर यातायात का दबाव कम हो जाएगा। तकनीकी खामियों के चलते एलिवेटेड रोड में देरी हुई है, अब जल्द ही इसके टेंडर की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड का प्लान बरसों से चल रहा था, लेकिन ये मूर्त रूप लेने का नाम नहीं ले रहा था। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अपने स्तर पर प्रयास कर और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से पूरा कराने की कोशिश की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी ने अपनी सहमति दी, केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी। ये एक ऐसा विषय है जिसको हम आने वाले 50-100 साल तक जोधपुर के लिए उपयोगी रहेगा, इसलिए आने वाले 50 साल की जोधपुर की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना चाहते थे। अनेक बार तकनीकी तौर पर उसकी समीक्षा के बाद में DPR फाइनल हुई है, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट टेंडर की स्टेज पर आ गया है और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि दोनों ने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। सीकर में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख गायत्री कंवर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला परिषद सदस्यों ने अधिकारियों पर विकास कार्य नहीं करने के आरोप लगाए। वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों के काम अटकाने का आरोप लगाया। इस दौरान जिला परिषद सदस्य कैलाश चंद्र ने अपना इस्तीफा जिला प्रमुख गायत्री कंवर को सौंपा। बैठक में उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल, जयंत निठारवाल ने जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। सांसद सुमेधानंद सरस्वती, कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी सहित जिला परिषद सदस्य और अधिकारी मौजूद रहे। आज सीकर जिला परिषद की वार्षिक बैठक थी, जिसमें साधारण सभा की बैठक थी, जिसमें मुझे भाग लेने का मौका मिला। MP साहब भी आए हैं, जिला प्रमुख जी हैं, और जो मनरेगा का जो वार्षिक प्लान है उसका अनुमोदन के लिए प्रस्ताव था, जिसको सर्वसम्मति से हम लोगों ने सबने अनुमोदित किया है, उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। बात पानी की चल रही थी, दूसरे विषय पे भी चल रही थी, लेकिन
जो पानी के या अन्य विभागों के जो स्वीकृत प्रोजेक्ट या काम हैं उन पे काम नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, इस विषय में हमने बात की है। पिछले कार्य की अनुपालना रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई है। आज के एजेंडे में खास तौर से नरेगा के कार्यों का अनुमोदन करना था, कुछ पट्टे हैं उनका अनुमोदन करना था, पेयजल के विषय पर चर्चा होनी थी और बहुत सारी इस प्रकार की योजनाएं जो लागू होनी थी उनके बारे में जिला परिषद की मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई है। महात्मा गांधी नरेगा वार्षिक प्लान 23-24-25 का अनुमोदन हुआ। दूसरा ये कि आज इस मीटिंग में बहुत सारे मेंबर्स को बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी, पर पिछले 3 साल से हमारी सरकार नहीं थी और आने वाले टाइम में अब बीजेपी आई है तो मुझे ये विश्वास है कि हमें अच्छा बजट मिलेगा और लोगों के जो काम है जरूर होंगे। करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र की चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में टिकट दावेदारों की भीड़ उमड़ी। बैठक में भरतपुर संभाग क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भाजपाइयों को एकजुटता का संदेश देते हुए जीत का मंत्र दिया है। राजेंद्र राठौड़ ने दीवार लेखन अभियान का भी आगाज किया। राजेंद्र राठौड़ ने भाजपा के कार्यकर्ताओं से पार्टी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीरता से जुटने की अपील की। विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ कार्य करने वालों को जयचंद करार देते हुए बाहर का रास्ता दिखाने की नसीहत भी दी। राठौड़ ने हिंडौन सहित कई विधानसभा क्षेत्र के प्रबंध समिति सदस्यों के बैठक में शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई। बैठक में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा, सह प्रभारी सोमकांत शर्मा, जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया, विधायक सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी संगठन नीति पार्टी है। पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। राजस्थान के अंदर 56,000 गांवों के अंदर पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता तैयार बैठा है, पन्ना प्रमुख तैयार बैठा है। तीसरी बार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में मिशन 25 पूरा करे, इस लक्ष्य के साथ आज 8 विधानसभाओं के चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई है। प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए राज्य सरकार के स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है। राजफेड के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह राठौड़ ने यह बताया है कि प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रारंभ की जाएगी। इसी को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने भी राजफेड की समीक्षा बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। किसानों से 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान होगा। भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य दर 2275 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस सहित भुगतान किया जाएगा। राठौड़ ने बताया कि खाद्य विभाग द्वारा राजफेड को गेहूं खरीद के लिए 210 केंद्र आवंटित किए गए हैं। अधिकांश क्रय केंद्र कोटा संभाग में है। क्रय केंद्रों पर बारदाना भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जाना है। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1800180603030 स्थापित किया हुआ है एवं राजफेड द्वारा भी समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद के संबंध में हेल्पलाइन नंबर 1800180603001 स्थापित किया हुआ है। राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत दौसा के दौरे पर रहे, जहां सांसद राजेंद्र गहलोत ने भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक ली जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्रणा की गई है। इस मौके पर सांसद गहलोत ने प्रदेश में सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। साथ ही किसान आंदोलन को लेकर कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं है। उन्होंने कुछ लोगों पर किसानों के नाम पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, कहा है किसान भाजपा के साथ है। पीएम मोदी किसानों के हर मुद्दे पर गंभीर है। इस दौरान जिलाध्यक्ष पीडी शर्मा, वरिष्ठ भाजपा टीकम चंद गुर्जर, भाजपा नेता भूपेंद्र सैनी सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान को कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं और भ्रमित का परिणाम आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव से पूर्व किसान दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों ने और उत्तर प्रदेश जनता ने हमें भारी बहुमत के साथ विजय मनाया। और इसलिए मैं कह सकता हूँ हमारे
देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं। झुंझुनू के चुड़ैला स्थित JJT यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस और झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों को PhD की डिग्री वितरित की है, जिसे पाने के बाद विद्यार्थियों ने खुशी जाहिर की है। दीक्षांत समारोह में सैकड़ों की संख्या में उपाधियां वितरित की गई। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जीवन में सफलता पाना मुश्किल है। Day for both of us, because along with you we are also receiving the degree today, so we feel very young and we got extra energy to work more. Thank you. And today it is my privilege to participate in the function along with the great scholar, the great administrator, the great consultant who gives the knowledge to everyone. मैंने अपनी जो ज्योग्राफी की जो PhD है वो ज्योग्राफी में सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में मेरा जो टॉपिक रहा है दैट इज ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन हरियाणा रहा है। JJTU से मुझे डिग्री मिली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने चुरू के सालासर में बालाजी मंदिर में दर्शन किए, साथ ही साथ देश में अमन चैन की कामना भी उन्होंने की। मंदिर के पुजारी यशोदा नंदन ने राज्यपाल को पूजा अर्चना कराई और बालाजी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मंदिर परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। चुरू के रतनगढ़ नगर पालिका के सभागार में हुई बजट बैठक में हंगामे की खबर सामने आई है। हंगामे के दौरान पार्षदों ने पट्टा वितरण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कोर्ट में विचाराधीन भूमि भी अपने नाम से पट्टे बनवा लिए। इस दौरान बैठक में मुर्दाबाद के नारे के साथ जमकर नारेबाजी की गई। EO और चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए पार्षदों ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व लगी पट्टों की फाइलों के भी पट्टे नहीं दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ हंगामे के बीच वर्ष 2024-25 के लिए 114 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, पार्षद मुख्तियार खान, रामकिशन माटोलिया, अब्बास गौरी सहित कई पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हंगामे के बीच विधायक पूसाराम गोदारा ने मध्यस्थता करते हुए 10 दिनों में तैयार पट्टे वितरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ विधायक गोदारा ने कहा कि पालिका में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। यह नगर पालिका में पार्षदों में बहुत आक्रोश था और आमजन लोग भी मेरे से बहुत मिले हैं आज कि नगर पालिका में काफ़ी व्यवस्था गड़बड़ है और यहाँ बहुत छीना छपटी हो रही है। एक दूसरे के दबाव में लोग काम कर रहे हैं। इस बात की इस व्यवस्था से मैं खुद खुश नहीं हूँ। मैंने आज EO चेयरमैन साहब भी बोल दिया कि आप मिल करके काम करो और जितने लोगों के पैसे जमा हो गए पट्टे तत्काल जारी किए जाए और जो पट्टो प्रोसेस फाइनल हो गया है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उनके पट्टे भी आप 10 दिन के अंदर इनको जारी करें। अलवर नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ है और इसी बीच करीब 300 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक के बीच में मेयर घनश्याम गुर्जर और कांग्रेस पार्षदों के बीच में जुबानी खिंचतान दिखी। हंगामे के बीच नगर निगम की बैठक मात्र 30 मिनट ही चली, जिसमें विपक्षी पार्टी आरोप लगाते रहे। नगर निगम के कामकाज को लेकर पार्षदों ने सवाल उठाए हैं। वन मंत्री संजय शर्मा, सभापति घनश्याम गुर्जर और आयुक्त मनीष फौजदार सहित अधिकांश पार्षद बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद मेयर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि सदन में जो भी बातें आई हैं उस मामले में गंभीरता से काम होगा। वहीं बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र मीणा ने वन मंत्री को अपनी ओर ध्यान खींचने को कहा तो मंत्री ने जवाब दिया कि आप मेयर को संबोधित करें, मैं यहाँ एक विधायक के तौर पर मौजूद हूँ। जो साल भर का जो बजट रखा जाता है उस पर चर्चा के लिए बजट रखा है सदन में और उस सदन में जो है उस पर चर्चा के लिए हमने पार्षदों जो सुझाव आए उन सुझाव को देखते हुए हम इस बजट को सरकार को भेजेंगे और बजट हमारा पास हो गया है। आगे शहर में विकास करेंगे, सरकार अब नई ऊर्जा के साथ अलवर शहर का विकास करेगी। माननीय मंत्री महोदय भी आज बजट की बैठक में मौजूद थे
सारी विस्तार से सभी चर्चाएं हुई, सभी बिंदु पे चर्चाएं हुई हैं और आगे हम और तेजी से काम करें। उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड मामले में आज एनआईए मामलों की विशेष अदालत ने आज 9 आरोपियों को आरोप सुनाए हैं। सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आरोपी रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद, मोहसिन आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसिन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद और मुस्लिम खान को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया। वहीं जमानत पर चल रहा आरोपी फरहाद मोहम्मद भी अदालत में पेश हुआ। एनआईए मामलों की विशेष अदालत में आज मामले में करीब 50 मिनट तक सुनवाई चली। इस पर आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए अदालत से मामले में ट्रायल की मांग की। सीकर पुलिस ने सिहोट बड़ी इलाके में हुए डिलीवरी बॉय के मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी और पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड की मास्टरमाइंड डिलीवरी बॉय की पत्नी है, जिसने क्राइम से जुड़ी वेब सीरीज और अन्य क्राइम एपिसोड देखकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। एसपी परेश देशमुख ने यह बताया कि घटना 29 जनवरी की है। धोद पुलिस को सूचना मिली कि सिहोट बड़ी गांव में रामधन मीणा कि उसके खेत के बाहर ही हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए। मामले में मृतक के भाई विनोद की रिपोर्ट पर पड़ताल की गई। पुलिस पूछताछ में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की हालांकि कोशिश की। महिला ने पति का गांव के लड़कों से विवाद बताया। इस दौरान मुखबिर के जरिए रामधन के पड़ोस में ही रहने वाले कालू पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया, जिसमें यह सामने आया कि मृतक की पत्नी का भी हत्या में हाथ है। देखिए 29 जनवरी को सीवर बड़ी गांव में जो मृतक है रामधन, इसकी हत्या करने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसकी आधार पर एसएचओ सीओ मौके पर गए, एफएसएल टीम और उच्च अधिकारी द्वारा भी मौका देखा गया। इसके पश्चात परिजनों के द्वारा लाश को रखकर डिमांड्स की गई, प्रदर्शन किए गए और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भाई इसमें निष्पक्ष जाँच होगी और उसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें सीओ साहब रिंगस, सीओ ग्रामीण, एसएचओ धोद, एसएचओ रानोली, एसएचओ दादिया, एसएचओ जैनमाता, हमारी साइबर टीम, इन सब की एक जॉइंट टीम बना के लगातार इस अनुसंधान में इन्होंने भाग लिया और काफी मेहनत की। टोंक एसपी राजर्षि राज वर्मा के निर्देशों पर पुलिस ने दो अलग अलग गैंग के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। टोंक पुलिस की जिला स्पेशल टीम साइबर टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आदर्श चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लूटपाट, नकबजनी और एटीएम लूटने के मामलों का खुलासा कर दिया है। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि एटीएम लूट की वारदातों का मास्टरमाइंड सूरज मोबाइल ऐप के जरिए कार किराए पर लेकर वारदात को अंजाम देता था, जिससे वाहनों की पहचान होने पर उसकी गिरफ्तारी ना हो। गिरफ्तार आरोपी सूरज सैनी छोटा मोजा निवासी है। पुलिस ने बोरखंडी निवासी 22 वर्षीय हेमराज, श्री गोपालपुरा निवासी 25 वर्षीय बाबूलाल गुर्जर ज्वेलरी की दुकानों की रेकी कर लूट की वारदात करते थे। वारदात में एक नाबालिग की भी मदद लेते थे। 12 से ज्यादा लूट के मामलों को अंजाम दे चुके हैं ये। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से क्रेटा कार, प्रिंटर, एलईडी और चोरी का कैश बरामद किया है। पूछताछ आरोपियों से की जा रही है। टीम के द्वारा आसूचना तंत्र को एक्टिवेट करके और मुखबिर मामूर करके सूचनाएं इकट्ठा करवाई गई, टेक्निकल एनालिसिस किया गया, सीसीटीवी कैमरास देखे गए, बीटीएस एनालिसिस किया गया और इन सारे एनालिसिस और विश्लेषण करके कुछ लोगों को हमने चिन्हित किया जिनकी भूमिका इन घटनाओं में हो सकती है। इसमें जो मेन आरोपी जो हमारे सामने आया, सूरज सैनी नाम का आरोपी है जो कि झिराना थाने का रहने वाला है, इसको हमारी टीम ने त्रिपुरा अगरतला से जाकर गिरफ्तार किया। करीब यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर है। हमने इसको पूरा ट्रैक किया, इसके मूवमेंट को, और फिर इसका लास्ट लोकेशन जो है त्रिपुरा में आया। हमने वहाँ की स्थानीय पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित किया और फिर अपनी टीम भेजकर इसको गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामगढ़ इलाके के पारेवर गांव की वन भूमि यानी ओरन को सीमेंट प्लांट के लिए अलॉट करने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ओरन बचाओ टीम और ग्रामीणों ने 70 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने ओरन की जमीन को छोड़कर सीमेंट कंपनी को अलॉट करने की मांग की है, जिससे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को नुकसान नहीं हो। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया है, ओरन की जमीनों को निजी कंपनियों के हाथों में बेचकर हम सभी अपना ही नुकसान कर रहे हैं। साल 2022 में सरकार ने पारेवर गांव की करीब 2400 बीघा जमीन सीमेंट के
प्लांट के लिए अलॉट कर दी थी, जबकि उस जमीन में ओरन की जमीन भी शामिल है। हमारी मांग है कि जमीन का अलॉटमेंट खारिज कर ओरन की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में ओरन के नाम से दर्ज करवाएं। हम इस फैक्ट्री की वजह से यात्रा निकाली है, हम इस फैक्ट्री से बहुत परेशान है और महिला मेरे गांव से 70 किलोमीटर चल के आई है। उनकी परेशानी कोई समझ ही नहीं रहा है और समझेगा भी क्यों कि दर्दी उनका ही है, क्यों कौन समझेगा। आजकल के समय में किसी का कोई दर्द समझता ही नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे मेरी फैक्ट्री बंद करनी है, मैंने 12th कर ली है, अब मुझे मेरा गाँव संभालना है। मैं अपना गाँव संभालूंगी, मैं गाँव को पीड़ित में नहीं देखूंगी, दर्द में नहीं देखूंगी, सुननी पड़ेगी। उन्होंने बहुत बड़े बड़े गड्ढे करके रखे हैं जिसमें बारिश की वजह से पानी से भरे जाते हैं तो गाय भी मर जाती है। हम 70 किलोमीटर की दूरी से पैदल चलकर यहाँ जिला मुख्यालय के यहाँ पहुंचे हैं। हमारा एकमात्र एक ही उद्देश्य है कि हमारी ओरन भूमि, मुंह बोली ओरन भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। हमारी मुंह बोली ओरन जो हमारी आस्था का केंद्र है, जिसने सरकार को कंपनियों को अलॉट करके अतिक्रमण करवा दिया है। हम यही चाहते हैं कि हमारी ओरन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए और हमारी ओरन को बचाया जाए। झालावाड़ में अफीम की खेती परवान पर है, अब कुछ समय बाद इसमें चीरा लगाना शुरू होगा, लेकिन किसान इन दिनों काफी परेशान हैं। उनके सामने कई मुसीबतें हैं, इसका हल उनके पास नहीं है, अब किसान करें क्या? सुनने में आपको बड़ा अजीब लगेगा कि आजकल किसान अपने पूरे परिवार के साथ तोते उड़ाने में लगे हैं। इसके लिए उन्हें सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खेतों के चारों तरफ खड़े होकर तोतों को उड़ाने का काम जो परेशान इन्हें कर रहा है। हालांकि कोई जाली लगा रहा है तो कोई गोफन के द्वारा इनको भगाने में लगा है। कह सकते हैं कि अफीम की पैदावार किसानों के लिए यहाँ वरदान है, तो वहीं मुसीबत भी कम नहीं है। बच्चों की तरह इन फसल को तैयार करना पड़ता है, जरा सी चूक भी भारी पड़ जाती है। बहुत खतरा है सर, तोतों का, चोरों का, आसमान सब बहुत खतरा है। लाइट में रात में लाइट को करना पड़ता है, यही रिक्वायरी करना पड़ता है, सोते हैं, ये करते हैं, तो जाते उनके लिए दिन में पूरा दिन ही ड्यूटी बजा के रहना पड़ता है। मतलब पूरा 24 घंटे के लिए पूरा दिन ही रहना पड़ता है सुबह शाम। मतलब तो पटाखे फोड़ते हैं इधर उधर, एक दो जने खड़े करते हैं, इधर से आवाज लगा चिल्लाते से करना पड़ता है, मतलब पूरी खड़ी ड्यूटी रहती है। जंगली शोर के लिए रात में ही रुकना पड़ता है, उजाला करना पड़ता है, लाइट लगा के करंट लगाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो बहुत तरह आते हैं, झुंड के झुंड आते हैं सर। इसमें शुरुआत से ही जानवरों का खतरा रहता है। पहले यहाँ इस गाँव में, यहाँ हमारे क्षेत्र में नील गाय और जंगली शोर है, उसके बाद आसमानी तोते हैं, जमीन से चूहे, और एक मौसम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो ये हमारे हाथ में भी नहीं है ये समस्या है, तो इसके लिए हम इसको निपटने के लिए इसकी पूरी तैयारी रखते हैं, पर इस मौसम वाली चुनौती को हम सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए हम चौकीदारी, फटाके और इसकी बाउंड्री वाल को अच्छी से रखनी पड़ती है। चित्तौड़गढ़ में अफीम किसान परिवार दिन रात खेतों पर रह रहे हैं। अफीम के डोडे की चिराई लुवाई के साथ फसल रखवाली की दोहरी चुनौती किसान के ऊपर है। करीब 17,000 अफीम किसानों के घर सूने और खेत आबाद हो रहे हैं। अफीम की फसल में खिले सफेद फूलों में अब डोडे पक गए हैं। किसानों ने डोडों की चिराई शुरू कर दी है, ये दौर करीब पूरे एक पखवाड़े तक चलेगा। डीडवाना में कागलीवाल परिवार ने नेत्रदान कर मिसाल पेश की है। श्याम जी का चौक निवासी गीता देवी के परिजनों ने आंखें दान करने का निर्णय लिया। गीता देवी के बेटों ने कहा कि आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं, हमारी माताजी की आंखें अब दो अंधेरी जिंदगियों को रोशन करेगी। दरअसल 28 फरवरी 2019 को पिता के भी नेत्रदान किया था। मारवाड़ हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सोहन चौधरी ने बताया है कि कागलीवाल परिवार ने अपनी इच्छा के अनुसार नेत्रदान किया है। अब तक शहर में कुल 10 लोगों ने नेत्रदान किया है। राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन सनराइज चतुर्थ चलाया जा रहा है। अब ऐसे में जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने डांगियावास थाना इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अलग अलग जगहों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस के 175 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमों ने एक साथ दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की है, जिसमें 11.85 किलोग्राम अफीम का दूध और 7.85 किलोग्राम अफीम है। तो वहीं 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करों के कब्जे से अवैध पिस्टल, 6 कारतूस और 2 तलवार बरामद हुई है। साथ ही तस्करों के पास से 9,69,000 से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने मौके से तस्करी में इस्तेमाल 7 कार भी बरामद की है।
फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है। तो हमने एक बाड़े में भी खुदाई की थी और सभी तो उसमें से एक बाड़े में हमें अंदर दबी हुई बाल्टियां मिली, हालांकि वो खाली थी, लेकिन साथ में हमें उसी घर में हमें 10 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ, जो कि हमें तुरंत पूछताछ में पता चल गया कि वो अफीम की बिक्री के बाद उनके उसी से अर्जित वो जो कैश था। से है जहां सामान्य चिकित्सालय में डिलीवरी वार्ड स्टाफ द्वारा पीएमओ से अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी और डॉक्टर्स ने उच्च स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल डिलीवरी वार्ड स्टाफ पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे, जिसकी शिकायत मिलने पर पीएमओ ने स्टाफ को बदल दिया। नए स्टाफ द्वारा जब ड्यूटी संभाली गई तो उन्हें धमकी दी गई। पीएमओ ने समझाइश का प्रयास किया तो उनसे भी अभद्रता की गई। आज हमारे पीएमओ साहब के साथ में जो अवैध मतलब जो बदतमीजी की गई है, अवैध वसूली के कारण जो अवैध वसूली रोकने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं पीएमओ साहब, उसको उनके आदेशों की अवहेलना करते हुए और उनके साथ गाली गलौज बदतमीजी की है स्टाफ ने, लेबर रूम स्टाफ ने। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे पीएमओ साहब के साथ हम खड़े हुए हैं और अपनी बात रखने के लिए पीएमओ साहब के साथ में जो अवैध बदतमीजी की है उन्होंने, इसी स्टाफ को यहाँ से कुछ ना कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की जावे। प्रशासन से यही चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पूर्व में समाचार पत्रों में जिस प्रकार से लेबर रूम की अव्यवस्था के बारे में प्रकाशन हुआ, उसमें हमने 5 सदस्यीय कमेटी गठित की तथा लेबर रूम के स्टाफ का कुछ बदलाव किया, जिसमें श्री लाल सिंह मीणा जी नर्सिंग अधीक्षक को लेबर रूम का प्रभारी बनाया गया। जब प्रभारी जी ने अपना टारगेट ज्वाइन करने गए तो उनको ना तो कॉपरेट किया और उनको एक धमकी भरी चेतावनी दी कि आप कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। जयपुर में भिवाड़ी से धारूहेड़ा जाने वाले वेस्ट को रोकने के लिए कम अवधि और लंबे समय के उपाय सुनिश्चित करके समस्या समाधान करने को लेकर सीएस सुधांश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक हुई। बैठक में पंत ने निर्देश दिए हैं कि म्युनिसिपल काउंसिल बीड़ा और रीको के संयुक्त तत्वावधान में शॉर्ट टर्म दूरगामी उपाय होगा। इस प्लानिंग के तहत सीईटीपी एसटीपी लगाए जाएंगे, जिससे धारूहेड़ा लो लाइनिंग में औद्योगिक वेस्ट कचरा सीवरेज आदि का पानी नहीं आए। उद्योगों को भी वेस्ट का निदान करने और सीईटीपी से वाटर ट्रीटमेंट का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण मंडल से जुड़े अधिकारी भी शामिल रहे, जिन्होंने उद्योगों के सामने औद्योगिक कचरे से होने वाली समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। बैठक में प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा, तिजारा खैरथल, कलेक्टर हनुमानमल ढाका, बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत दौसा के दौरे पर रहे, जहां भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट पर भव्य स्वागत उनका किया। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने दो टूक कहा है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। 2016 से छात्रवृत्ति से वंचितों को जल्द छात्रवृत्ति मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में भजनलाल सरकार सख्त है और आपको ये भी बताएं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।